Yes, namaskar everyone. I hope you are well at your home. So students, let's start a new topic. The topic is addition in any order. Students, आज की क्लास में हम लोग एडिशन करेंगे इन एनी ऑर्डर में. हमने वर्टिकल सम्स करे हैं, हॉरिजॉन्टल सम्स करे हैं और आज हम देखेंगे डिजिट्स का ऑर्डर चेंज कर क्या आंसर चेंज होता है या सेम होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में एड एंड राइट द आंसर. हमको इन एडिशन को एड करना है और आंसर को राइट डाउन करना. तो 3 + 4 कैसे करेंगे? 3 के बाद हमें कितना काउंट करना है स्टूडेंट्स? यस, 4. तो 3 के बाद आप काउंट कीजिए, 4, 5, 6, 7. कितना काउंट किया हमने? 4. आप इस तरीके से फिंगर्स पे काउंट करेंगे. यस, 7. नेक्स्ट है हमारा 4 + 3. 4 + 3 करेंगे. यस, 4 के बाद हमें कितना काउंट करना है? 3. 4 के बाद हम 3 काउंट करेंगे. 5, 6, 7. अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, 3 + 4 क्या? तब भी 7 आया. 4 + 3 क्या? तब भी हमारे पास क्या आया? 7 आया. ओके, तो इसमें क्या हुआ? डिजिट्स का ऑर्डर चेंज हो गया और आंसर सेम हो गया. 3 + 4 करो या 4 + 3 करो, आंसर क्या आएगा? ऑलवेज 7 ही आएगा. नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल सम्स में देखो, 3 + 4 करेंगे तब भी हमारे पास 7 आएगा, 4 + 3 करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा? 7 ही आएगा. सिर्फ इनका डिजिट्स का ऑर्डर चेंज हुआ है, आंसर सेम होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, एड द नंबर्स देन मैच द सम्स व्हिच आर द सेम. हमें इनमें क्या करना है? एडिशन करना है और सेम आंसर्स को मैच करना है. अब आप देखिए 2 + 6, 2 + 6 करेंगे कितना आएगा? 2 के बाद हमें 6 काउंट करना है, तो क्या आएगा हमारे पास? 8. के बाद आप जब 6 काउंट करेंगे 8 आएगा. 3 + 4 करेंगे कितना आएगा? 3 के बाद हमें कितना काउंट करना है? 4 काउंट करना है, तो क्या आएगा हमारे पास? 7. नेक्स्ट है हमारा 8 + 0. मैंने आपको बताया था किसी भी वैल्यू में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो एज इट इज सेम वैल्यू आ जाती है. तो 8 + 0 8. नेक्स्ट 9 + 1 10. 9 + 1 10. नेक्स्ट है 1 + 9 10. 0 + 8 8. 4 + 3 7. 6 + 2 8. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है? अब इनको मैचअप्स कर ले हमें. अब आप देखिए 2 + 6 किया हमने, यहां पर 2 + 6 है और यहां पर 6 + 2 है. ओनली डिजिट्स का ऑर्डर चेंज हुआ है. 2 + 6 करो या 6 + 2 करो, आंसर क्या आएगा? 8 ही आएगा. हमें किससे मैच करना है इसको? हमें सेम आंसर से इस तरीके से मैच करना है. इनका ही ऑर्डर चेंज हुआ है. नेक्स्ट में हमें लिखा है 3 + 4. अब 3 + 4 करो या 4 + 3 करो, आंसर दोनों का क्या है? सेम है, तो इसको इससे मैच करेंगे. नेक्स्ट है 0 + 8 करो या 8 + 0 करो या 0 + 8 करो, आंसर क्या आएगा? सेम 8 ही आएगा, उसको इससे मैच. प्लस 1 + 9 करो या 9 + 1 करो, आंसर क्या आएगा? 10 ही आएगा. इस तरीके से आप इससे मैच करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप ये वर्क कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक और बुक में, दोनों में. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स.